आपका बाइलेटरल ग्रेड टू गाइनोकोमेस्टिया है, मास बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा एक्सिलरी एक्सटेंस है, इधर की तरफ हेड प्रोट्रूड कर रहा है, अंदर तक जा रहा है इधर भी और इधर भी। कितने सालों से है गाइनोकोमेस्टिया? फिर भी 4 साल से। साल से है। और निपल का भी थोड़ा इनलार्जमेंट है, थोड़ा ज़्यादा प्रोट्रूडेड सा दिख रहा है। इसमें हम लोग लेजर लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन करेंगे, ओपनिंग बहुत छोटी सी, और फिर सर्जरी कंप्लीट। निपल के साइज को भी थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि इस तरह के प्रोट्रूडेड निपल बहुत कॉस्मेटिकली प्रेजेंटेबल नहीं होता है, तो इसको भी थोड़ा सा साइज को ट्रिम करेंगे हम लोग, जस्ट एक छोटी सी मार्किंग और फिर सर्जरी। ये कुछ मार्किंग है, बीच का जो एरिया है वो ग्लैंड है, ऊपर फैट है एक्सटेंशन। इसी तरह दूसरी ओर भी ओपनिंग बहुत छोटी सी, 2 सेंटीमीटर की एरियोला और नॉर्मल स्किन के मार्जिन पे, और इसी से सारी सर्जरी कंप्लीट। 1 घंटे का टाइम और गाइनेकोमेस्टिया फिक्स। वही है आपकी गाइनेकोमेस्टिया की सर्जरी, बायलेटरल ग्रेड टू गाइनेकोमेस्टिया था, दोनों ओर के ग्लैंड निकल गए। एक बार हम लोग ग्लैंड को देखें, ये दोनों ओर के ग्लैंड हैं, ग्रेड टू गाइनेकोमेस्टिया के ग्लैंड। इसमें फैटी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है आपके ग्लैंड में, और ये अगर सर्जिकल साइट की बात करें, इंसीजन, तो इसी जगह बहुत छोटा सा इंसीजन, 3 इंटरस्टिशियस। और गौर करने की बात है, ग्लैंड निकल जाने के कारण, सर्जरी हो जाने के कारण निपल का साइज़ भी छोटा हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा निपल में ट्रिमिंग की गई है आपकी, जो प्रोट्रूजन बहुत बड़ा था बाहर वो अब एकदम नॉर्मल रेंज में है। कैसा हुआ, दर्द वगैरह हुआ? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? कांके से। सर्जरी खत्म हो गई, पता चला आपको? नहीं पता चला ना। ऐसे ही होता है, सर्जरी में दर्द नहीं होता है, लोग सिर्फ स्लीपी स्टेट में रहते हैं और सारी चीज़ें